वी हैव वन क्वेश्चन ऑलरेडी, आई कैन स्टार्ट विद दैट। पूछ रहे हैं कि ये जो सॉलिडारिटी आपने बताई अलग अलग ग्रुप्स के बीच में अभी बन रही है धीरे धीरे, टिकरी बॉर्डर पे ये कैसे देखने मिलती है कि एवरीडे जो नॉर्मल दिनचर्या में आपको दिखती है क्या कि लोग जो आपने बोला एरोगेंस कम हो रहा है और ये सब? देखिए, ये ट्रॉली होम्स हैं, है ना। तो वहां से जैसे मैं मान लूं कि मेरा गांव मद्दो के है, आप सभी अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं मडो कैन अकॉर्डिंग टू देयर प्रोनाउंसिएशन, मद्दो के। तो मेरा विलेज मद्दो के है, वहां से भी लोग आए हुए हैं। और वहां से एक तो मैं खुद ही दलित कम्युनिटी से आता हूँ, और मेरा भतीजा भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, अभी लास्ट ईयर ही दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से पास आउट, वो भी है। और मेरी पूरी टीम ही मतलब जो है सिनेमाटोग्राफर, साउंड इंजीनियर, फोटोग्राफर, वो सारे भी मार्जिनल कम्युनिटी से आते हैं। बट हम फार्मर प्रोटेस्ट में डे वन से हैं और अटैक भी झेल रहे हैं और डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं। तो ये जो प्लेस है, ये यूनियन, एक जो सबसे बड़ी यूनियन है उसका ऑफिस है, और यहीं उनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो इस टाइम वर्ल्ड के बड़े फेस बने हुए हैं किसानों के, वो यहीं सोते हैं। तो मैं भी वहीं बैठा हुआ हूँ। तो जो नॉर्मल, मैं तो चलो शहर में रहता हूँ, फिल्म मेकर हूँ, तो मेरे साथ तो ये शायद बार्गेनिंग हो। तो जब ट्रॉलीज में जाते हैं, वहां दलित खेत मजदूर आए होते हैं, और ऐसे ही बिस्तर वहां पे होते हैं। और कौन किस, जैसे हफ्ता 10 दिन वो रहते हैं, फिर शिफ्ट होती है कि दूसरे 10 आते हैं, ये चले जाते हैं वापस गाँव। तो रोज कौन किस बेड पे पैरा है, सो रहा है, कौन 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 सा ब्लैंकेट यूज कर रहा है कुछ पता नहीं, कौन पका रहा है, कौन खा रहा है, कौन दे रहा है और कौन सब्जी बना रहा है, ये सारा कुछ इसमें तो कभी नहीं दिखता कि कोई बीच में कोई डिफरेंस है। तो मैं इसको बेगमपुरा, कल जयंती है गुरु रविदास जी की, और उनका बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट के यहाँ कोई सारे ठीक है। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ ये उधर सिंगू पे भी इंडस्ट्रियल एरिया है, और ये टिकरी भी इंडस्ट्रियल एरिया है, और इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक तो छोटी छोटी इकाइयों में काम करने वाले प्रोडक्शन करने वाले लेबरर होते हैं, और साथ साथ ही झुग्गी झोपड़ी भी होती है ना। तो वो सब लोग यहाँ आते हैं फार्मर्स के बीच में, सुबह सुबह बॉटल्स लेने आते हैं, और मतलब बड़े बड़े मतलब वो रेडी भर के लेके जाते हैं, और वो साथ बैठ। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, तो जो इनके प्रोटेस्ट के कारण क्या हुआ, इन्होंने एक साइट 25 किलोमीटर ऑक्यूपाई कर ली रोड, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल सिटी में नहीं आता, कंस्ट्रक्शन लेबर का काम बंद हो गया, मैसन का काम बंद हो गया, कुछ इंडस्ट्री बड़ी बड़ी रिलैक्सो चप्पल जो बहुत फेमस है, तो वो फैक्ट्री भी बंद है, और बड़ी फैक्ट्रीज बंद है क्योंकि प्रोटेस्ट रोड पे तो सारे किसान बैठे हुए हैं ट्रॉलीज लगा के। तो एक बड़ी वर्किंग क्लास यहाँ से फ्री हो गई है, काम नहीं, बंद हो गया उनका। तो मेरे को एक बंदा बताता है कि भाई हमारा तो फिर लॉकडाउन वाला हाल हो गया था किसानों के आने से, बट हमें वापस जाना पड़ता, काम तो बंद हो गया। तो हुआ क्या, कहता ये ऐसे भले लोग आए हैं कि ये बड़े बड़े लंगर साथ लेके आए हैं, और हमारा काम बंद हो गया, 3 टाइम की रोटी हमें इज्जत से इनसे मिलती है, बातें भी बहुत अच्छी करते हैं हमारे साथ, और हमें खाना भी 3 टाइम का देता। तो अब हमें कुछ इधर उधर हाथ पैर मार के जितनी देर तक ये इनका प्रोटेस्ट चलेगा, उन रूम का किराया निकालना होता, वो हम निकाल लेंगे, रोटी ये दे रहे हैं, तो चल चल रहा है, जैसे लॉकडाउन में झेला है, अब थोड़ा सा और झेल लेंगे। तो मैंने कहा तुम्हें गुस्सा नहीं आता इन लोगों पे? बोलता क्या करूं मैं, मेरा भी खेत है गांव में, वेस्टर्न साउथर्न यूपी में, तो मैं यहाँ छोड़ के क्यों आया हुआ हूँ, क्योंकि खेत में से कुछ निकलता नहीं है। तो ये लोग अपना घर छोड़ के यहाँ रोड पे आके क्यों बैठे हुए हैं, इनको भी प्रॉब्लम है, तो दैट्स व्हाई इनसे मैं क्या गुस्सा हूँ, ये मेरे खिलाफ कुछ करने ही नहीं आए, सरकार के खिलाफ करने आए। तो ये है।
Yeah, very beautiful again. So, great question. So, he was saying that his entire team comes from the Dalit community, himself included. But then he showed us around the room where the most famous face of the farmer protest, the leader of that union, is currently sleeping. He is in the same living area. And what he's describing is that during the whole protest, people are constantly moving around. Somebody is sleeping in trolley, somebody is getting some place to sleep, and nobody knows which bed will be occupied by you tonight, and which bed you will be moved to tomorrow. People are using bedding and quilts without knowing who used it before. And he described a very beautiful phrase. He said, "This is almost like Begumpura, which is Sant Ravidas, the city that he wants to go to, where there is a classless and casteless society." So he's saying that it's almost that he, as if he has come to that place. कल है क्या वो रविदास जयंती या आज? है और कल फार्मर यूनियनों ने सभी ने डिसाइड किया है, ये कॉमन उनका प्रोग्राम है कि कल को बेगमपुरा दिवस के तौर पे मनाना है। So it's tomorrow is Sant Ravidas Jayanti, and all the farmers have decided to celebrate it as a Begumpura event, and it's a great statement coming from non-Dalit community to be celebrate part of this celebration. And then the other example he gave was that because of the protest and all the farmers coming and sitting on the roadside, the construction material stopped going into the city of Delhi. So a lot of and also Singhu border, Tikri border, both have industrial area, and a lot of industries have shut down, a lot of construction work has shut down. So a lot of people around their current place have lost their jobs, and it almost became like a lockdown situation, like last year, where they could not earn anything. But they started showing up in the protest, and they are able to get the food through the beautiful langars that have been set up by the farmers. And they say, he asked one of them, like, how are you, able to survive in this kind of situation? He said that I just have to make sure I can get enough money for the rent of the place I am living in, but the food these nice people are providing it to me. They talk very nicely to me. We have a common cause. And then he asked, "Are you not angry because of them? You are having to go through such pain." He said that I am working here and I'm getting exploited here just because the farm that I have in UP is not able to, feed my family. So I know how their cause and my cause are connected, and they are fighting against the government. They are not fighting against me. So. हाँ, मेरा सवाल था आपसे, ये जो अभी आपने बताया कि उन्होंने बताया कि ये उनके फार्म में कुछ मतलब उत्पादन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो यहाँ आए हैं। तो जी मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो ग्रीन रेवल्यूशन का जो स्टैग्नेशन है और एग्रेरियन क्राइसिस का जो मामला है, उसके साथ ये आंदोलन कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि एक्चुअली तो ये ग्रेन ट्रेड के बारे में है ना, जैसे आपने समझाया, पूरा जो स्टोरेज प्राइवेटाइज कर रहे हैं, लेकिन ये जो हिस्टोरिकल जो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ इसका क्या ताल्लुक है? मैं दो शब्दों में ये बता दूंगा, जो अभी फार्म बिल्स हैं वो क्या हैं कि खेती सेक्टर को कारपोरेट सेक्टर बनाना, उसको सौंप दे देना। तो जो लोग जुड़े हुए हैं खेत के साथ, नेचर के साथ, उगाते हैं खाते हैं, तो वो पहले से ही उसमें इंटरफेरेंस होनी स्टार्ट हो गई वो ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन
पहला अटैक था ऐसा ही, बट वो सॉफ्ट था, वो रेवोल्यूशन के नाम पे था। वो भी यही था कि खेती को कारपोरेट के अकॉर्डिंग बनाना, उसमें सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं, इंडस्ट्रियल लेवल पे उत्पादन करना, बैल की जगह दूसरे वाले हल की जगह देसी बीज की जगह मॉडिफाइड बीज लेके आना, पेस्टिसाइड इंट्रोड्यूस करना, फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस करना, इंसेक्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस करना, ट्रैक्टर ट्रॉलीज जितने भी टूल्स हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बस जस्ट लाइक थिंग के खेत को कारपोरेट के मुनाफे के लिए खोलना। ग्रेन भी चाहिए था, नो डाउट ग्रेन भी चाहिए था, बट उसका बड़ा जो कह सकते हैं कारण था कि वो खेती सेक्टर को कारपोरेट के मुनाफे के लिए खोलना। खेत खेत में अनाज ज्यादा होना जरूरत थी, और उसको और बढ़ाना जरूरत थी, और एक ही रास्ता नहीं था कि हर हाल, ये जरूरत नहीं थी कि खेतों में पेस्टिसाइड आना जरूरी है, फर्टिलाइजर आना जरूरी है, इंसेक्टिसाइड आना जरूरी है, जो नेचर के खिलाफ चीजें हैं, जो जिसने पंजाब का तो कम से कम पानी तो नहीं डायरेक्ट पीने लायक छोड़ा जरा सा भी, और हवा भी खराब है, मिट्टी पूरी तरह पोल्यूटेड हो चुकी है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वो फर्स्ट स्टेज थी इसकी, अब ये लास्ट स्टेज है, अब खेत से ही बाहर कर देना है किसान को, और उसको झुग्गी झोपड़ी में शहर में लाया जाएगा, वहां वो एक मतलब बहुत तरसयोग हालत की लेबर वर्क की इधर उधर रोजगार चौक पे ढूंढेगा, फैक्ट्री में जाएगा और उसके खेत पे काम करेगा, मतलब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो अडानी अबानी या और कारपोरेट्स का। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की कॉन्टिन्यूटी में ही ये बिल है। आई थॉट यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, थैंक यू। I will translate afterward. Just one quick question, which is important. The question that came up is that the farm leaders have not spoken strongly in favor of Nawdeep Kaur. ये farm leaders के को लेके एक सवाल है कि नवदीप कौर जी और शिव कुमार जी के बारे में बहुत कम डिस्कशन हुआ है, उनकी उनकी रिहाई के लिए बहुत कम मांगे सुनने में आई हैं। क्या ये सच है, और अगर सच है तो उस पे ज्यादा आवाज क्यों नहीं उठ रही है? मैं जो दिखाया था कि ये जिसका बिस्तर सामने पड़ा हुआ, ये सबसे बड़ा फेज है, मतलब इस फार्म मूवमेंट का, क्योंकि सबसे बड़ी यूनियन है, और 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के पोस्टर उठाने पे हंगामा हुआ था पूरे मीडिया में, सरकार के साइड वाले मीडिया में, इन्होंने तो अर्बन नक्सल्स के पोस्टर उठा लिए, उसमें नौ भीमा कोरेगांव के लोग कितने अर्बन नक्सल है आपको पता है हा? तो उन तमाम लोगों के पोस्टर इन्होंने उठाए थे कि हम सिर्फ फार्म बिल नहीं, खेत बचाने नहीं आए, ये लोगों को भी हमने बचाना है, ये भी हमारी डिमांड है, इनको रिलीज कीजिए। तो ये यूनियन थी जिसने फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे नवदीप के या उनके साथियों के बारे में आवाज ही नहीं उठाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और पंजाब के गांव गांव में दलितों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों दोनों ने मिलके मोदी सरकार के पुतले जो जलाए और प्रोटेस्ट किए, डीसी ऑफिस में डिमांड पत्र दिए, और यहाँ प्रोटेस्ट साइट पे कंटिन्यू नवदीप की बात उठाई। कल ही उसकी मदर और छोटी सिस्टर यहाँ इस यहीं आकर बैठ के सारी रिपोर्टिंग करके गए हैं कि कैसे है। तो किसान यूनियंस की जो लीगल टीम है वो बहुत बड़ी है, 150 वकील किए हुए हैं आफ्टर 26 इंसिडेंट, तो वो लोग भी नवदीप का केस देख रहे हैं, और आज उसकी बेल होने वाली है, संभावना ये है। What we are seeing here is probably a little like he disagrees that there's not much that there's not enough done for her release. The room he's sharing with the biggest face of the protests, that farm leader has been from day one
डिमांडिंग रिलीज ऑफ नवदीप कौर जी एंड ही हैज डन सेवरल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड हैव अनलीश्ड अ लॉट ऑफ lawyers for her bail, and it is expected that she'll get bail today. Her mother and sister was just here recently, and she has been giving updates on Nadeep Kaur to the farm leader that is living with Randeep ji. There's another one, so let me read it. How do you differentiate class and caste struggle while documenting? जब आप अपने डॉक्यूमेंटिंग करते हैं कि कोई भी स्ट्रगल्स को, तो उसमें क्लास पार्ट और कास्ट पार्ट को अलग अलग कैसे करते हैं? मुझे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, होपफुली आपको आ गया हो। हाँ, नहीं, मेरे लिए भी कंफ्यूजन है, बट मैं उनकी भावना को समझ रहा हूँ कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए, ये इंडिया की प्रॉब्लम है, और अनफॉर्चुनेटली बाकी जगहों पे, ज़्यादा जगहों पे क्लास होती है, कास्ट नहीं होती है, बट किसी ना किसी रूप में कोई डिफरेंस होता है। जैसे यूएस, नॉर्दर्न अमेरिका में या यूरोप में ब्लैक्स का, जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो वहाँ के दलित ही हैं, कास्ट लोअर कास्ट ही हैं उनके मुकाबले में, वाइट कम्युनिटी के मुकाबले में। और यहाँ भी है, इंडिया में कास्ट है, एग्जिस्ट करती है और कास्ट के नेम पे करती है। और क्लास क्या है और कास्ट क्या है, पहले हमें ये जब हम समझ लेंगे तो आपको कैमरा के थ्रू भी और कहीं भी किसी भी लैंडस्केप में वो अलग अलग दिखती भी हैं, और असल में हमें उसको अलग अलग नहीं देखना है, हमें उसको देखना है लाइक अब बहुत पहले ही, जब बिगनिंग में ही मैंने बता दिया कि ये जहाँ एंड तक हम बात करते रहे कि कास्ट भी है, क्लास भी है, और यही ऐसे ही दिख रही है कि अच्छा, उनकी जो क्लास है, जो क्लास है उनकी, गुरमेल कौर की उदाहरण दी ना मैंने, एग्जाम्पल दी कि उनकी क्लास कॉन्शियस जो अलाउ करती हैं, अलाउ नहीं करती हैं कि इस फार्मर प्रोटेस्ट, अपर कास्ट फार्मर प्रोटेस्ट में नहीं जाना, वो उसको रोकती है क्लास कॉन्शियस कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करती है। तो वो अपनी क्लास को लेकर, कॉन्शियस को लेकर यहाँ पार्टिसिपेट करने आती हैं, और कास्ट उसकी कहती है कि लड़ाई बाकी है, वो कंटिन्यू लड़ी जाएगी और यहाँ से वापस जाके खेतों में, गलियों में वो वाली लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसे कास्ट एंड क्लास वर्क करती है, मुझे ऐसे दिखती है। तो, दोनों पे जरूरी है। Yeah, so it's we have to keep an eye on both of them together, the caste and class. They both exist, and the example that we just heard about Nadeep Kaur, what was the name? Sorry, Gurmel Kaur. Gurmel Kaur was that it's her class consciousness that brings her to the protest. And it's her caste consciousness that tells us that she will go back to village and continue the fight with the same people she came to support here. So the both of them can exist together, and we have to look at them together. We cannot separate them. And just to finish off the Green Revolution question's answer, the answer was that the Green Revolution, Randeepji looks at this thing as a continuation. The Green Revolution was the first time when the corporate attack was done to the farm workers, and it was a soft mechanism according to him, because there was some indeed a part that was solving the food security problem,
but it was still taking away a lot of equity away from the farm worker. They were becoming more and more like farm laborer. But this one is a fatal attack, and it's almost aimed at kicking out the farm worker into you know, like losing their own land also. So, Raj. सॉरी मैं देर से आया हूँ साथी रणदीप, आपकी पूरी बात नहीं सुन पाया हूँ मैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये लड़ाई जो आप कह रहे हैं इसमें जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कोई इसमें हाथ नहीं, वो इफेक्टिव नहीं है इसमें, इसमें वामपंथी पार्टियों का क्या क्या रोल है इसमें इसमें? और दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि ये तो भी नॉर्थ इंडिया में है, उसमें देश भर में जब तक ये इसका जुड़ाव नहीं होता तो इसको सरकार इसको ख़त्म कर सकती है, आखिर में तो वो मिलिट्री इस्तेमाल करेंगे, वायलेंस इस्तेमाल करेंगे ये सरकार, तो वो किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी है और जो आप देख रहे हैं और जो आप इसका हिस्सा हैं वो किस तरह से इसको, इसके लिए किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं इसको झेलने के लिए? देखिए सर राजी, ये असल में जून में या मई में इंट्रोड्यूस हुए बिल, तो सबसे पहले रिएक्ट किया पंजाब ने, और पंजाब अंदर अंदर से बॉयल हो रहा था धीरे 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 धीरे, एक छोटा एक्शन उससे बड़ा एक्शन उससे बड़ा एक्शन उससे बड़ा एक्शन, ऐसे यूनियंस कर रही थी, और पंजाब में यूनियंस स्ट्रॉन्ग हैं। तो फार्मर्स यूनियन, फार्मर्स यूनियन, हाँ जी फार्मर्स यूनियन। और तो उन्होंने किया, हरियाणा में कोई बात नहीं हो रही थी, यूपी में कोई बात नहीं हो रही थी, राजस्थान में कोई बात नहीं हो रही थी, उत्तरांचल में हिमाचल में कोई बात नहीं हो रही थी, पर पंजाब में हो रही थी, और पंजाब के अंदर अंदर ये बात चलती इतनी बड़ी हो गई तो पड़ोस में हरियाणा को भी समझ लगने लगा, राजस्थान को भी समझ लगने लगा, तो एक टाइम में जाके मतलब हरियाणा भी उठ गया, और फिर आगे बढ़ती बढ़ती बात ये राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में आई, और वहां से उत्तरांचल तक चली गई, उत्तराखंड तक, फिर ये लोग दिल्ली आ गए, तो फिर हिमाचल और मध्य प्रदेश और गुजरात ये तमाम लोग भी करने लगे, और धीरे धीरे कर्नाटका में हजारों लोग निकल रहे हैं, केरला में निकल रहे हैं, मुंबई में बड़े प्रोटेस्ट हुए, तमिलनाडु में हुए, और यहाँ दूसरे स्टेट्स के डेलीगेशन आ रहे हैं फार्मर यूनियंस के, कंटिन्यू आ रहे हैं, और डिफरेंट पीपल्स मूवमेंट से जुड़े हुए लोग यहाँ आ रहे हैं सिंगू बॉर्डर पे, सभी बॉर्डर पे अलग अलग यूनियन को मिल रहे हैं। तो ये पंजाब का प्रोटेस्ट हरियाणा का हुआ, हरियाणा से यूपी, पंजाब और हरियाणा का हुआ, फिर ये राजस्थान भी ऐड हुआ, और ऐड होता जा रहा है, और ये पूरे इंडिया का ही बन रहा है, जैसे यहाँ से जो ऑल ओवर इंडिया के लिए कॉल्स जाती हैं, जैसे पिछले दिनों 3 घंटे के लिए ट्रेन चक्का जाम का प्रोग्राम था, और पूरे इंडिया ने बहुत तरीके से किया, तो यहाँ से जाती हुई कॉल, यहाँ जो यूनियंस बैठी हुई हैं वो असल में सिर्फ पंजाब की नहीं, पंजाब की 30 यूनियंस है किसान यूनियन, और बाकी टोटल इंडिया की 400 है, मतलब इनका 30 को मिला के, तो इनका अलायंस है ये, तो यहाँ की बात पूरे इंडिया में जा रही है, बट कुछ कुछ जैसे मान लीजिए तमिलनाडु से कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं फिजिकली, पंजाब वालों के लिए तो 350 किलोमीटर है ट्रैक्टर पे आना, ट्रॉली पे भर के आना, बस पे आना, और राजस्थान वालों के लिए भी कम दूर है, हरियाणा वाले तो बैठे ही बीच में है, और यूपी वालों को भी, तो दूर वालों को फिजिकल प्रेजेंस मुश्किल है, वो अपनी जगहों पे कंटिन्यू कर रहे हैं, किसी किसी जगह पे विधानसभा का घराव कर रहे हैं, कहीं पे वो गवर्नर हाउस का कर रहे हैं, तो चल रहा है, और लोग मतलब जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मीन
ये स्ट्रगल बाकी देश के फार्मर से अलग है, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है और यहाँ की कॉल वो नीचे अप्लाई करते हैं। और दूसरी बात पार्टीज की बात है, कम्युनिस्ट पार्टीज डायरेक्ट इसमें फार्मर्स ने कह दिया है कि कोई भी मेन स्ट्रीम पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी हमारे इसमें नहीं आएगी, तो हम फार्मर्स ही इसको सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम को। आप अलग से क्या कर सकते हो, आप अपनी प्लेसेस पे कीजिए, अपनी प्लेसेस पे कीजिए। कांग्रेस ने क्या करना है, सीपीआई ने क्या करना है, सीपीएम ने क्या करना है, आपने क्या करना है, अकाली दल ने क्या करना है, तो दे आर इंडिपेंडेंट। सॉलिडेरिटी में वो क्या करते हैं वो करें, बट ये स्ट्रिक्टली मना है कि कोई भी किसानों की स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं अलाउड है। ये किसानों का मुद्दा है। आज तक उनका कहना भी ये है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने आज तक क्या किया किसानों के लिए, ये नौबत आई है तो इन सब पार्टीज की वजह से भी आई है। तो उसमें सीपीएम का भी आप देख लीजिए ना, वेस्ट बंगाल का नंदीग्राम हुआ है, टाटा को जमीन छीन के देनी थी और कत्ल किसने किए, उन्होंने ही किए हैं, तो फिर भी हम उसको कहीं ना कहीं लेफ्ट मानते हैं। उनकी एक बड़ी किसान यूनियन भी है, उनका लेबर में भी अच्छा खासा काम है इंडिया लेवल पे, तो उनकी सपोर्ट अपनी यूनियंस को है, जैसे उनकी यूनियन है ना, ऑल इंडिया किसान सभा समथिंग लाइक दैट। तो ये लेफ्ट की इसमें भी काफी ज्यादा जो यूनियंस हैं वो लेफ्ट ओरिएंटेड ही हैं, जो अलायंस के अंदर हैं लेफ्ट ओरिएंटेड ही हैं। तो कुछ जैसे मेन स्ट्रीम पार्टीज ये क्लेम करती हैं कि अच्छा ये वाली यूनियन और ये वाली यूनियन और ये वाली यूनियन हमारी ही यूनियन है, और कुछ पार्टीज ऐसे नहीं होती हैं, उनका एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है और वो अपनी यूनियन को अपनी नहीं कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पे मास ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं। तो अच्छा किसान यूनियन फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, एक 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 मंच है, तो उसका इंडिपेंडेंट भी कुछ एग्जिस्टेंस है, वो पार्टी ही उसको गेयर करती नहीं होती है बट पार्टी का आइडिया आता है उसमें। तो ये बहुत सारी यूनियन लेफ्ट की यूनियन है, लेफ्ट पार्टीज डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि किसानों का मसला और किसान इसको लड़ रहे हैं और वो ही अगुवाई कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, ये है। जी जी शुक्रिया जी। मैंने आई हैव आई एम जस्ट राइटिंग दिस डाउन इन द चैट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम सो आई विल नॉट रिपीट। तो मैंने चैट में सब कुछ लिख दिया है, लोग पढ़ लेंगे तो मुझे फिर से दोबारा रिपीट ना करना पड़े। नेक्स्ट थिंग इज अब आपको क्लोजिंग रिमार्क कुछ हमको कुछ आइडियाज के साथ हमको विदाई लेनी है, जो हमको बता के कि अब आगे आप क्या करना चाहते हैं या हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जी अब इसको बार बार हिस्टोरिकल कहने का मतलब कोई कारण वो नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकल तो हो गया है, आप इसीलिए इतनी दूर से जुड़े हुए हैं, पहले भी फार्मर्स की प्रॉब्लम यही थी और प्रोटेस्ट भी छोटे मोटे होते रहे थे, तो आज हम इस पे इसके लिए कंसर्न हैं, तो देर इज समथिंग बिग एंड डिफरेंट। और तो ये है, और ये असल में बड़ी लड़ाई है और एक बड़ी चेंज लाने का इसने इनिशिएट किया है, और दुनिया भर के फार्मर की सॉलिडेरिटी है। मेरे को नीदरलैंड से एक वुमेन फार्मर की कॉल आती तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा हमारी भी लड़ाई है, तो ये इसने कर दिखाया है। और इसको इसकी जीत जमीन बचा लेने की जीत नहीं है, इसकी हार जमीन गंवा लेने की हार नहीं है। फासिज्म कंटिन्यू अपने रूप में आता जा रहा है, आने अगर ये स्ट्रगल हार जाती है तो वो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे वो। मुस्लिम्स लास्ट ईयर एक लेवल पे कोरोना के चक्कर में हार गए, वापस चले गए सीए के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट थे, बाकियों को उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया है। तो इसको फासिज्म के अगेंस्ट आने वाली जो लड़ाई है उसका
हम बिगनिंग भी कह सकते हैं, और इससे इसकी जीत से बाकी तबके जितने भी एक्सप्लॉयटेड है किसी भी तरीके से विक्टिम है, उनको आस बनेगी कि यूनाइट होने से कुछ हासिल किया जा सकता है, किसी हमले को रोका जा सकता है, तो बाकियों में भी यूनाइट होने की एक ताकत ये आंदोलन देगा और उनको इसकी जरूरत समझाएगा। और अगर इतना बड़ा कॉज आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, हर तरह की जरूरत है। यहाँ आप अपने फेसबुक पे लिखिए इसके बारे में, अपने ट्विटर इंस्टा उस पे लिखिए, प्रचार भी कीजिए, और किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प की के चांसेस हैं वो भी करने बनते हैं, जैसे सर्दी में आए तो कंबल रजाई ये वो सब सर्दी से बचने वाला सारा सामान लेके आ गए। अभी 5-7 दिन से ही गर्मी आ गई है, अब इन कंबल में नहीं सो सकते लोग, रजाई में नहीं सो सकते, अब मॉस्किटो भी आ जाएगा, फ्लाइज भी आ जाएगी, और बहुत भयंकर गर्मी में फूड जल्दी खराब हो जाएगा, और कई बार खराब फूड होने से हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, नए तरह की, सर्दी में वो नहीं थी, उसके अलग चैलेंजेस थे। तो अब पूरा सेटअप 20 किलोमीटर में एक यूनियन का, एक पूरा महानगर बसा हुआ, तो बाकी सारियों का कितने बॉर्डर्स पे है, तो सारी चीजें दोबारा आनी है, पंखे आने हैं, कूलर आने हैं, मॉस्किटो नेट आने हैं, तो हर चीज आनी है। तो हर एक को अपनी समर्थता अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैपेसिटी, 5, 50, 500 या जो भी उसकी किसी की कैपेसिटी है, वो वैल्यूएबल है यहाँ, मतलब किसी भी तरीके से वो करना, और सिर्फ नॉट मॉनेटरी लाइक उसके बहुत सारे वे हैं, आप इसका प्रचार कर सकते हो, इसके बारे में अपने आसपास लोगों से बात कर सकते हो, हर चीज वैल्यूएबल है। तो किसी भी तरीके से आप लोग सारे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा आंदोलन है, इसका मतलब क्या है, पहले ये जानिए और फिर इसकी सपोर्ट में आइए। थैंक यू जी, थैंक यू अगेन। चैट में मैंने सब डाल दिया है, पीपल विल बी एबल टू रीड, बट द मेन जिस्ट इज दैट प्लीज कंट्रीब्यूट टू दिस हिस्टोरिक प्रोटेस्ट, एंड देर विल बी ह्यूज चैलेंजेस दैट दे पीपल विल बी फेसिंग विद समर कमिंग, दैट विल मीन दैट देर विल बी मैनी न्यू प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग मस्किटोज, फ्लाइज, and food poisoning, so there will be a lot of material needs that these farm protest sites will need. So please help spread the word, communicate this problem to others, and encourage them to also learn more about it. Oh, okay. Now, okay. The question I asked him was about the connection with other farm areas, whether this is limited here and how are they connected to the rest. He answered by saying, obviously, the closer areas, Punjab, this whole thing was boiling earlier. And then Haryana joined, Western UP joined, Rajasthan joined, and it's spreading beyond that to Maharashtra and Gujarat. And in the south, there is support Karnataka, he mentioned. And so therefore, this is an all India struggle. And this is not a, just a regional struggle. So that was one part of the question answered. I forget the second part. I had asked him the political party. Yes, the political party. He said, well, it is consciously decided by the Farmers Union to let it be a struggle of the farmers. No political parties are to be there on the stage because they may be contributing, but this is not how they see the struggle succeeding, because after all, many of these parties haven't done, they have talked about farmers, but they haven't done anything for them. That's why this situation has arisen. It's a continuity of situation which is getting worse under what is now essentially a fascist
or fascist, proto-fascist government. And if it is not stopped here, then there is no future. And this, the reason why the Muslim struggle failed, I think that maybe not to my question, but later on he said, so maybe I don't have to. But basically he said, the strategy of fight is to involve other section and do their own other parts of the region and with the others to do their own support, but the farmers will carry on their struggle as farmers and with other sections of all sections of the farming, as divided as they are in classes and caste. That's what I understood. Radeep ji, if you want, if you aapne maine theek kaha ki nahi, aap to angrezi samajhte hain. हाँ जी हाँ जी आपने बिल्कुल ठीक बोला है सेंट्रल आइडिया पहले बच्चा ने कुछ ना कहा तो आप उसको जोड़ दीजिए नहीं नहीं यू आर वेरी गुड राज जी बेटर देन आई कुड हैव डन सो